आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। बधाई हो, बधाई, शुभ घड़ी आई। S400 भारत में आ गया है। रशिया का S400 बहुत खतरनाक है, वेरी वेरी डेंजरस। और अगर हम बात करते हैं तो ये मिसाइल्स को रोक लेगा, ठीक है ना। ये एक डिफेंस सिस्टम है, एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ये मिसाइल को रोक लेगा, कहीं पे भी मिसाइल हो 15 मिनट के अंदर अंदर खत्म। स्टैंड बाई पे है तो 3 सेकंड के अंदर अंदर खत्म। दुनिया का सबसे खतरनाक मिसाइल डिफेंस सिस्टम S400 2018 में हमने रशिया से डील साइन की थी। आपको बता दूं कि चाइना भी ये S400 खरीद रहा है। S400 रशिया का, भाई देखो, जब क्रीमिया पे रशिया ने कब्जा किया 2014 में, तो अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिया। अमेरिका को लगा कि क्या है यार, हम हमारे बिना कोई देश चल सकता है? लेकिन भाई रशिया के वेपन्स इतने ज्यादा हैं, इतने एडवांस हैं भाई। S400 टर्की ने खरीद लिया, चाइना खरीद रहा है। 2015 में उन्होंने डील साइन की थी लगभग $2.5 मिलियन की, और अब भारत तो खैर खरीद ही रहा है। ओके, तो 2018 में भारत ने डील साइन की और अब S400 भारत आ गया है। तो हम बात करेंगे दोस्तों इसकी, लेकिन उससे पहले हमारे शानदार कोर्सेज आते हैं। सबसे पहले तो हमने बैंकिंग कोर्सेज बनाए हैं, कहीं पे भी देख लीजिए, इतने बेहतरीन बैंकिंग कोर्स आपको नहीं मिलेगा, जिसमें हम हाई लेवल पजल्स, DI, मेंस लेवल की रीजनिंग, इंग्लिश, सब कुछ बेहतरीन तरीके से कवर है। 500 प्लस घंटे का कंटेंट है और बहुत ही कम दामों में। देन NCERT कोर्स, जो कि हमारे बेस्ट सेलिंग है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के NCERTs, अगेन बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे। देन UPSC 1 साल 2 साल 3 साल का जो हमने कोर्स बनाया है, शानदार है, आप जरूर चेकआउट करें। स्टडी ग्लोस ऐप को डाउनलोड करें। UGC NTA पेपर 1 का कोर्स है, बेहतरीन कोर्स। अगेन इन नंबर्स में कॉल कर सकते हैं, नहीं तो आप WhatsApp भी कर सकते हैं। हमारे ऑफिशियल ऐप स्टडी ग्लोस को डाउनलोड करें, हमारे दूसरे ऐप स्टडी ग्लोस लर्निंग को मत डाउनलोड करें, ठीक है। तो भाई पहला रेजिमेंट S400 सिस्टम जो है वो भारत आ गया है। ओके, तो 2 जून 2022 तक, यानी कि अगले साल आएगा। गुड। अब देखिए, फर्स्ट रेजिमेंट फ्रॉम रशिया हैज अराइव्ड एंड 2022 में अगला आएगा। अब ये नॉर्दर्न रीजन में इसको डिप्लॉय किया जाएगा। नॉर्दर्न रीजन में क्यों डिप्लॉय किया जाएगा? क्योंकि भाई इधर पाकिस्तान है, इधर चाइना है, दोनों भारत के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो चाइना, आपको पता ही है कि चाइना तो रुकता ही नहीं है, कभी डोकलाम इशू, कभी पंगोंग सो इशू, वो रुकता ही नहीं, वो आगे ही बढ़ता जाता है। तो अब चाइना को इधर आओ, अब आगे बढ़ के दिखाओ, अब आगे बढ़ के दिखाओ, खत्म कर देंगे, समझे। पाकिस्तान चाइना के बल पे बहुत ज्यादा उछलता है, तो पाकिस्तान, हालांकि पाकिस्तान की मिसाइल इतनी ज्यादा एडवांस नहीं है, लेकिन फिर भी भाई खतरा तो खतरा है। तो अभी आपने देखा कि ड्रोन अटैक, आपको याद होगा कि पिछले कुछ महीने में पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक बढ़े हैं। ड्रोन आता है जम्मू एंड कश्मीर रीजन पे, बम गिराता है, वापस चला जाता है सर्वेलांस के लिए। तो उस लिए ऐसा हमला ना हो, S400 इज वेरी क्रूशियल टू इंडिया। भारत की सैन्य ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। देखिए, रशिया की अगर आप बात करें, भारत और रशिया डिफेंस पार्टनर्स हैं। भारत बहुत ही स्मार्टली खेलता है, वो अमेरिका से भी हथियार खरीदता है, वो रशिया से भी हथियार खरीदता है। लेकिन अमेरिका कहता है, भाई तुमको हम कैट्सा में डाल देंगे। कैट्सा में मतलब ये जो अमेरिका के एडवर्सरीज हैं, ठीक है, जो अमेरिका के दुश्मन हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप थे तो 2017 में ये आया था, ठीक है, इसमें ईरान, नॉर्थ कोरिया और रशिया है। अब अगर आप इनसे बिजनेस करते हो, जो कैट्सा में है, अगर आपने इनसे बिजनेस किया, अभी इन्हीं तीन ही देश को रखा हुआ है, तो आप पे सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे। तो आप बोलोगे, सर भारत तो रशिया से बिजनेस कर रहा है, तो अमेरिका धमकी देता तो है, अमेरिका बोलता है कि ये जरा ध्यान से डाल देंगे इसमें तुमको। लेकिन भारत को काफी ज्यादा वेवर्स मिले हुए हैं। चाइना डील कर रहे, तो चाइना को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। टर्की ने S400 खरीदा और इस पर ऑलरेडी सैंक्शंस लगा दिए हैं, ऑलरेडी अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए हैं। तो अभी जब व्लादिमीर पुतिन और मोदी जी की समिट हुई, जब दोनों मिले आपस में, तो व्लादिमीर पुतिन ने बड़ी तारीफ की कि अमेरिका के प्रेशर के बावजूद आपने S400 खरीदा, भाई हैट्स ऑफ, काबिले तारीफ। और सच में, क्योंकि अमेरिका हमारा बहुत अच्छा दोस्त है ना, फिलहाल तो है ही है। तो ये नॉर्दर्न रीजन में इसको डिप्लाई किया जाएगा, जहां पे किसी भी तरीके का एयर अटैक ये खत्म कर सकता, कोई भी तरीके का एयर अटैक ये खत्म कर सकता। और सेकंड, ये जून 2022 में आएगा,
और ये लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में, इधर वाले रीजन में, ताकि चाइना में और ज्यादा स्क्रूटनी की जाए। इसके बाद दोस्तों भारत पे मिसाइल से तो हमला नहीं हो सकता, आप ये बात, हम सबसे सुरक्षित देशों में आ जाएंगे। जैसे अमेरिका का थार्ड है, अमेरिका ने थार्ड को, वो भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, अमेरिका ने थार्ड को साउथ कोरिया में रखा हुआ है, जापान में रखा हुआ है, ठीक है, ताइवान इधर इस एरिया में रखा हुआ है, ताकि भाई कहीं ऐसा ना हो कि मिसाइल आ जाए और इन एरिया को डिस्टर्ब करे। आयरन डोम आपने देखा इसराइल का, जब पैलेस्तीन कह रहा हूं जब हमास ने एक के बाद एक रॉकेट छोड़े गाजा पट्टी से, तो भाई आयरन डोम अकेला भिड़ गया, हजारों रॉकेट्स को उसको निष्क्रिय कर दिया। ऐसा है S-400 भी सेम तरीके से ऐसे ही काम करता है। फिलहाल S-400 है क्या, आई होप यहां पे आपको दिख रहा होगा कि वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड एंड पोटेंट एयर डिफेंस सिस्टम, ये सरफेस टू एयर है ये, ठीक है, सरफेस टू एयर मीडियम रेंज, सरफेस पे रहता है ये, मिसाइल ऊपर से आती है तो जो सरफेस पे रहते हैं, मिसाइल ऊपर से आ रही है, वार करेंगे हवा में ही खत्म कर देंगे, तो उसको सरफेस टू एयर कहते हैं, एयर टू एयर हवा में ही, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू सरफेस, सरफेस पे ही सरफेस पे वार करना, ठीक है। तो ये चीज है, तो वर्ल्ड का सबसे एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम है, और टू प्रोटेक्ट इसकी S-400 क्या कर सकता है, चाहे एरियल अटैक हो हवा से, हवा में, चाहे ड्रोन्स हो, मिसाइल्स के लिए तो है ही, चाहे रॉकेट्स हो, चाहे फाइटर जेट्स हो, कहीं से भी अटैक होगा तो ये रोक देगा। अब ये एक शील्ड की तरह काम करता है ओवर अ पर्टिकुलर एरिया। अगर आपने इसको तैनात कर दिया तो मैंने बताया ना कि आप भूल जाइए, आप इसको तैनात करिए और भूल जाइए, क्योंकि ये एक डिफेंस शील्ड, वो एक जैसे आयरन मैन का कवच होता है ना, एक कवच हो गया है वो, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, S-400 इतना ज्यादा ताकतवर है। और मैंने आपको बताया था, मैं बीच में ही वो बात छूट गई थी, कि भारत रशिया के साथ डिफेंस की बात करें तो आज से नहीं, बहुत पहले से, चाहे वो सबमरीन हो, चाहे वो ब्रह्मोस, ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा, भारत और रशिया का प्रोजेक्ट था ना ब्रह्मोस मिसाइल, मोस्कवा भी रशिया में एक रिवर है। चाहे मिसाइल की बात करें, चाहे हम सेना की बात करें, जैसे अगर हम इंडियन आर्मी की बात करते हैं तो T-90, T-72 टैंक्स, ये सब रशिया की मदद से, फिर INS विक्रमादित्य रशिया, नेवी की बात करें देन सबमरीन चक्रा रशिया, गिनते रहिए आप, तो आप, और अभी ये S-400 रशिया, देन अगर आप एयरफोर्स की बात करें तो सुखोई मिग रशिया, तो ये इतने सारे चीजें हम रशिया से खरीदते हैं, या रशिया हमारी मदद करता है कि हम हैं बेटा, तुम परेशान मत हो, हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं। 1971 वॉर में जब अमेरिका ने अपने जंगी बेड़ों को बे ऑफ बंगाल में तैनात कर दिया था, तब रशिया ही सामने आया था, रशिया ने बोला ऐसी की तैसी, इधर अमेरिका हमला करेगा, इधर हम हमला करेंगे, तब जाके न्यूट्रलाइज कर पाया था भारत अमेरिका को, वरना तो दिक्कत हो जाती, क्योंकि 1971 में हर सारी वेस्टर्न पावर्स जो है वो भारत के खिलाफ थी एक्सेप्ट रशिया, रशिया ने भारत का साथ दिया था, तो रशिया एक अच्छा दोस्त है हमारा। तो अब देखिए, इट कैन साइमल्टेनियसली ट्रैक अप टू 160 ऑब्जेक्ट, 160 ऑब्जेक्ट्स को ये एक साथ अट्रैक कर सकता है। अगर 160 मिसाइल ड्रोन छोड़े तो एक दर 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 एकदम से फायर होगा, वहीं खत्म वो सब। 600 किलोमीटर रेंज एंड अ टारगेट ऑफ 72 ऑब्जेक्ट्स इन अ 400 किलोमीटर रेंज, क्या बात है, बेहतरीन। 600 किलोमीटर की अगर रेंज है, 600 किलोमीटर आप समझ रहे हो ना, मैं यहां पे खड़ा हूं, मेरे पूरा 600 किलोमीटर का एरिया, यानी कि अगर मान लीजिए इसको अरुणाचल प्रदेश में तैनात किया है, तो पूरे चाइना, पूरा तो नहीं लेकिन एक 600 किलोमीटर में, 600 किलोमीटर बहुत ज्यादा होता है, मतलब समझिए कि अगर मैं यहां पे हूं तो पूरा दिल्ली तक, ठीक है, दिल्ली तक आप पूरा, वहां से अगर आप मिसाइल दागेंगे, 160 अगर आपने एक साथ मिसाइल दागी, खत्म कर देंगे, खत्म कर देगा ये S-400, यानी कि 100 कहां चला गया, हां ये 160 ऑब्जेक्ट 600 किलोमीटर की एरिया तक 160 ऑब्जेक्ट को खत्म कर सकता है, और अगर इसकी आप रेंज घटा दें 400 किलोमीटर तो ये 72 ऑब्जेक्ट्स को खत्म कर सकता है। अब इसमें देखिए, चार टाइप्स ऑफ मिसाइल हैं, एक तो शॉर्ट रेंज, शॉर्ट रेंज मतलब जिसकी रेंज ज्यादा नहीं होगी, आप समझ ही गए होंगे, शॉर्ट रेंज मतलब 40 किलोमीटर तक, ठीक है,
40 किलोमीटर तक अगर कोई मिसाइल आ रही है, 40 किलोमीटर पर शॉर्ट रेंज मिसाइल है, खत्म कर देगा ये। देन मीडियम रेंज अप टू 120 किलोमीटर तक, लॉन्ग रेंज अप टू 250 किलोमीटर तक, वेरी लॉन्ग रेंज अप टू 400 किलोमीटर तक, और इसके बाद फिर इंटरकॉन्टिनेंटल 600 किलोमीटर तक। देन फ्लाइट एल्टीट्यूड ऑफ 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर तक ये ऊपर जा सकता है। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया ग्राफिक में माध्यम से, आप समझ सकते हैं 40 से 400 किलोमीटर तक इसकी ऑपरेशनल रेंज है। अब देखिए 4800 मीटर पर सेकंड मैक्सिमम स्पीड है, जो कि अमेरिका के डिफेंस सिस्टम से ज्यादा है ये। अभी हम अमेरिका के डिफेंस सिस्टम और भारत के S-400, क्योंकि अब तो भारत का ना भैया बहुत पैसे देके खरीदा है, सस्ता मद्दा नहीं, बहुत महंगा सौदा पड़ा हुआ है। 30 से 60 किलोमीटर तक की इसकी मैक्सिमम हाइट है, 600 किलोमीटर तक का टारगेट डिटेक्शन रेंज है, और 5 से 10 मिनट की इसकी डिप्लॉयमेंट टाइम है। ठीक है, तो ये चीज है, 5 स्क्वाड्रंस ऑफ S-400 एंटी एयरक्राफ्ट एंड एंटी मिसाइल सिस्टम, 40,000 करोड़ का सौदा है ये, $5.43 बिलियन। समझे, $1 बिलियन में अगर आपको प्रॉब्लम होती होता लगभग 800 करोड़ के करीब होते हैं, 800 नहीं 750 करोड़ के करीब, ठीक है। तो 5.43 कितना हो गया, 40,000 करोड़ का ये सौदा पड़ा है, ठीक है, ओके। देन प्लान इंडक्ट 1 स्क्वाड्रन ऑफ S-400 इन 2 years after the contract is signed and the remaining 5 years, वही टोटल 5 साल, इंडियन एयरफोर्स विल इंटीग्रेट S-400 विद IACCS। मैंने शायद गलत बोल दिया है, 7,500 करोड़ होते हैं, ठीक है, 750 करोड़, मिलियन बिलियन में मैं कंफ्यूज हो गया, वही मैं सोच रहा था कि यार कुछ गड़बड़ मैंने बोला है, यहां पे 7,500 करोड़ के करीब होते हैं। तो 5.43 बिलियन डॉलर हो गए आपके 40,000 करोड़, तो $1 बिलियन करो तो लगभग 7,500 करोड़, क्योंकि डॉलर ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये मैं आपको बता ही चुका हूं, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ भी ये खत्म कर सकता है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है रेडार्स, 4 काइंड्स ऑफ इसमें मिसाइल इंटरसेप्टर्स दिए हुए, मैं आगे बढ़ाता हूं, इसमें आप अच्छे से समझेंगे, ठीक है। ये एक इमेज थी यहां पर। अच्छा, ये काम कैसे करता है, कुछ नहीं, एरियल थ्रेट, अगर एयर डिफेंस बबल यानी कि जो एरिया है, जैसे मेरा ये बबल है, ठीक है, तो जितनी रेंज है उसको हम बबल बोलेंगे, तो एयर डिफेंस बबल में कुछ भी फायर हो रहा है, जैसे चाइना ने एक रॉकेट छोड़ दिया, अब वो रेंज में है, तो S-400 ऐसे वेव्स भेजेगा, ठीक है ना, रेडियो वेव्स सॉलिड से टकरा के वापस आएंगी, तो इसका मतलब तुरंत बता देंगे कि भाई कुछ आ रहा है। तो सबसे पहले तो होगा डिटेक्शन, देन उसके बाद कैलकुलेट करेगा ये आ कहां से रहा है, इसकी ट्रेजेक्टरी मतलब पाथ। पहले तो उसने रेडार से उसने तुरंत डिटेक्ट किया कि अच्छा आ रहा है, कुछ तो आ रहा है, मिसाइल आ रहा है, तो उसके बाद फिर इसकी ट्रेजेक्टरी क्या है, और जैसे ही पता चली, कैलकुलेशन परफेक्ट, पता चल गया इस ट्रेजेक्टरी से आ रहा है, तुरंत उसी डायरेक्शन में ये मिसाइल छोड़ता है और खत्म। ये डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, वैसे आपको बता दूं, इट हैज लॉन्ग रेंज सर्विलांस रेडार्स दैट सेंड्स इंफॉर्मेशन टू द कमांड व्हीकल ऑन आइडेंटिफाइंग द टारगेट, द कमांड व्हीकल ऑर्डर्स मिसाइल टू लॉन्च। पहले ये हमेशा लगातार एक्टिव मोड पे रहता है, ठीक है, लगातार, तो ये वही है कि रेडार्स लगातार स्क्रूटनी करता है, सर्विलांस करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ एकदम से मिसाइल छोड़ दी, और जैसा ही इसको लगता है तुरंत इसने कमांड सेंटर पे इंफॉर्मेशन भेजी, मिसाइल लोड हुई और तड़ 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 एक के बाद एक मिसाइल जो है वो छोड़ी और उसको फिर ये निष्क्रिय करता है, जो भी टारगेट होता है। तो ये देख सकते हैं, ये है इसका, ये ट्रक में होता है, ट्रक में इतना बड़ा सा ऐसे गोले गोले गोले, इसमें कंटेनर इस तरीके से ढेर सारी इसमें मिसाइल्स होती हैं, तो सर्विलांस रेडार होता है, तो ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर कमांड व्हीकल को निर्देश देता है, ठीक है, जो मेन कमांड व्हीकल है, और उसके बाद ये आपका कमांड कंट्रोल व्हीकल है, ये देख सकते हैं वन, ये पूरा सेट है, ये है पूरा का पूरा S-400। तो सबसे पहले तो सर्विलेंस रेडार, अब आप देखिए, ये देखिए रेडियो वेव्स है ना, ये ठीक है। अब ये देखिए मिसाइल आई, मिसाइल यहां से आ रही है, रेडियो वेव्स के संपर्क में आई, तुरंत इससे टकरा के पता चला कि ओके मिसाइल आ गई, तो इसने कमांड और कंट्रोल व्हीकल को इन्फॉर्म किया। तो जैसे ही कमांड एंड कंट्रोल व्हीकल को इन्फॉर्म किया, अब ये देखिए यहां से वेव्स निकल रही हैं, अगेन ये यहां से टकराई,
इसकी ट्रैजेक्टरी को ट्रैक किया और तुरंत ये देख रहा हूं ना, एक के बाद एक मिसाइल जो है निकली और इसको निष्क्रिय कर दिया। फिर से बताता हूं, मतलब लास्ट वाले में देखिए, जैसे ही कमांड और कंट्रोल व्हीकल को पता चला, ये देख सकते हो यहां से खूब सारी मिसाइल निकलती हैं और ये देखो इन मिसाइल्स को, इन टारगेट को खत्म कर दिया। तो ये इस तरीके से काम करता है। तो 5 अक्टूबर 2018 को भारत ने इस डील को साइन किया था और भाई $5.43 बिलियन की ये डील थी, लगभग 40,000 करोड़ की डील। और इसमें पहला कंसाइनमेंट अभी आया है, अब अगला जो है वो जून में आएगा। वैसे वही बता रहा हूँ कि S-400 चाइना ने भी 2015 में साइन किया हुआ है, चाइना को भी मिल रही है। अब अमेरिका ने वही बोला है कि भाई देखो ऐसा तो होगा नहीं, तुम ऐसा कर रहे हो और हम तो तुम्हारे पर 50 सैंक्शंस लगा देंगे। लेकिन भारत ने बोला कि लगाते रहो, जब बोलते हैं तब तक तुम कुछ करते हो नहीं। अमेरिका के ऊपर आप बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। अमेरिका ने जो अफगानिस्तान के साथ किया, अब तो और भरोसा नहीं कर सकते। बीच रास्ते में अमेरिका क्या करता है ना, मैं हूं तुम्हारे साथ, ये वो गद्दार दोस्त की तरह है जो आपको बोलेगा कि अरे बिल्कुल परेशान मत हो, तुम भिड़ जाओ बेटा, पूरा सपोर्ट मेरा है। और आप 40-50 लोगों से अकेले लड़ गए और जैसे वो 40-50 लोग आपके सामने आए, आपने पीछे मुड़ के देखा, वो दोस्त गायब। तो ये अमेरिका उस तरीके का बीच मझधार में छोड़ के चला जाता है। तो अमेरिका के ऊपर आप पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये बड़े चालू लोग हैं, ठीक है ना, ये दूसरों के कंधे पे रख के बंदूक चलाते हैं। तो वही अमेरिका को मिर्ची लगी, तो तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। वही भारत ने बोला कि अमेरिका ने ऐसे ही टर्की के ऊपर सैंक्शंस मारे थे। टर्की के ऊपर आप सैंक्शंस मार सकते हो, भारत के ऊपर आप सैंक्शंस नहीं लगा सकते। भाई यार 1998 में, तब तो अभी तो भारत के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। 1998 में जब हमने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया, पहला तो ऑपरेशन लाफिंग बुद्धा 1975, लेकिन उसके बाद 1998 में जब हम एक न्यूक्लियर नेशन हो गए, तो बिल क्लिंटन तो पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे कि तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, खत्म कर देंगे, बम मार देंगे, सैंक्शंस लगा देंगे, बंद करो ये सब। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला कि अच्छी बात नहीं है, तुम मार दो, जो करना है करो, हम तो यही करेंगे जो अभी कर रहे हैं। तब उसके बाद बिल क्लिंटन ने फिर बोला कि अरे बाप रे, ये तो यार ऐसे नहीं मानेगा। तो फिर बुलाया फिर भारतीयों को, डिप्लोमैट्स को, और कंधे पे हाथ रखा कि अच्छा सुनो, ठीक है तुमने टेस्ट किया, लेकिन अब तुम्हारी एक प्रॉपर न्यूक्लियर पॉलिसी होनी चाहिए। तब से हमारी पॉलिसी है ना नो फर्स्ट यूज, कि हम पहले तो किसी के ऊपर न्यूक्लियर हमला करेंगे नहीं। तो अमेरिका धमकाता रहता है, लेकिन अमेरिका के धमकाने के बाद भाई हमको तो अपना डिफेंस स्ट्रांग करना ही है ना, ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले कि क्यों हमको S-400 चाहिए, भाई सबसे पहले तो चाइना का जो स्टांस है, भाई चाइना ने हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट कर ली है ना, पहला देश बन गया पूरी दुनिया का। चाइना अपनी मिसाइल कैपेबिलिटीज बढ़ाता जा रहा है, डिफेंस कैपेबिलिटीज बढ़ाता जा रहा है। चाइनीज आर नॉट वॉरियर्स, चाइनीज 110% अगर 1-to-1 युद्ध होता है तो वो हारेंगे और हारते आए हैं। लेकिन हाँ, साइंस और टेक में चाइना अभी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अमेरिका ये आरोप लगाता ना चाइना के ऊपर कि भाई चाइना तो हमसे टेक्नोलॉजी चुरा रहा है, तो चुराने दो, क्या लेना देना, हमको तो रिजल्ट चाहिए। साम दाम दंड भेद एंड डोंट जस्टिफाई द मींस, सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट चाहिए। कैसे मिला है रिजल्ट, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो चाइना और पाकिस्तान जिस तरीके से काम कर रहे हैं, पड़ोसी हमारा ऐसा है, अब यूरोप की तरह थोड़ी ना है, यूरोपियन यूनियन थोड़ी ना है कि भाई बॉर्डर खाली नाम मात्र का है ना। एक तो यूरोपियन कंट्री खाली ऐसे रेस्टोरेंट से ऐसे लाइन जाती वो बॉर्डर है, वैसा हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ दिक्कत है, हमारे पड़ोसी इतने नाकारे हैं कि हमको ये सब करना पड़ रहा है, वरना हम क्यों इतना पैसा इसमें बर्बाद करते, ठीक है। तो डिफेंस के लिए ये आप कंपेयर देख सकते हैं, कंपैरिजन S-400 और अमेरिका का पेट्रियॉट है। देखिए रशिया का जो S-400 है, इसकी मैक्सिमम रॉकेट स्पीड है 2600 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, टर्की में, सीरिया, ईरान, इजिप्ट में डिप्लॉयमेंट है। अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका का सिर्फ और सिर्फ जो रॉकेट स्पीड है वो 1700 मीटर पर सेकंड है, यानी कि S-400 से कम है। मैक्सिमम टारगेट स्पीड इसकी 2200 मीटर पर सेकंड, एल्टीट्यूड आप देख सकते हैं 24 किलोमीटर, रेंज इसकी 100 किलोमीटर। अब इन्होंने इजराइल में, कुवैत में, कतर में, यूएई में, सऊदी अरेबिया में इसको तैनात करके रखा हुआ है। तो अमेरिका के पेट्रियॉट से बहुत आगे है S-400। यहां पर आप देखिए मैक्सिमम रॉकेट स्पीड 4800 मीटर पर सेकेंड, अब इनकी मैक्सिमम रॉकेट स्पीड देखिए आप 2200 मीटर, इससे दुगना है, 4800 मीटर पर सेकेंड। हाइट जहां उसकी खाली 24 किलोमीटर है, यहां पे आप हाइट देखिए 185 किलोमीटर, रेंज जो वहां पे 100 किलोमीटर की है, यहां 400 किलोमीटर। हर मामले में रशिया का S-400
2 से 2.5 टाइम्स अमेरिका के पेट्रियॉट से बेहतरीन है। तो अमेरिका को ये लग भी रहा होगा थोड़ा यार कि यार ऐसा कैसे, ऐसे भारत कैसे कर सकता, हमारा पेट्रियॉट खरीद लेता। लेकिन भाई क्यों खरीद लेता है ना, हम बकवास माल क्यों, कहते ना कि सस्ता रोए एक बार, नहीं सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। ठीक है, तो महंगी चीज पर जाना चाहिए, ये भारत ने प्रूफ कर दिया है। तो वही है, और इसमें यह भी है कि S-400 कैन बी डिप्लॉयड विद इन 5 मिनट्स, पेट्रियॉट में 25 मिनट लगते हैं, मतलब जब तक चाइना मिसाइल छोड़ेगा और जब तक, अच्छा अच्छा ठीक है ओके, तुरंत तुरंत पेट्रियॉट को रेडी करो, खेल खत्म, तब तक लखनऊ उड़ गया, दिल्ली उड़ गया। लेकिन S-400 को खाली 5 मिनट लगते हैं, और अगर ये एक्टिव मोड पे तो 3 सेकंड, मतलब एकदम बढ़िया है, तो 3 सेकंड में ये काम खत्म कर देगा। ये चीज है, स्पीड आप देख सकते हैं 4.8 किलोमीटर पर सेकंड S-400, 1 सेकंड में 5 किलोमीटर, ये 1 सेकंड में 1.38 किलोमीटर। ठीक है, और बड़ी बात है ये चीपर है, चीपर है, पर बैटरी कॉस्ट जो है ये $500 मिलियन है, जहां पेट्रियॉट की पर बैटरी कॉस्ट $1 बिलियन, बड़ी बड़ी बैटरीज होती है ना, चलेगा कैसे। तो आप ये देखो कि अमेरिका, अब अजीबोगरीब बात है, जैसे अभी मॉडर्ना फाइजर के साथ हुआ है ना, हमारी क्या आदत है ना, जैसे मैं भी जो अपने कोर्स बेच रहा हूं, अब वो इतने सस्ते हैं, लोगों को लगता है कि यार सस्ता है तो क्या ही दे रहा होगा, हमारी आदत है कि महंगे पे भागने की, हमको पता नहीं क्या लगता है कि अगर कोई महंगा दे रहा है तो क्वालिटी बहुत बढ़िया होगी। देख लो बेटा, देख लो, ये एक तो महंगा है और इसकी बैटरी मेंटेनेंस भी इतनी ज्यादा महंगी है। ठीक है, और रशिया ने जो बनाया वो चीपर है, मॉडर्ना फाइजर की एक वैक्सीन 10,000 की लगेगी, आपको पता है ना, जो दोनों डोजेस लोगे, वही स्पुतनिक 1300, भारत की कोवैक्सीन तो 750 में है। ठीक है, पहले तो फ्री लगाई जा रही थी, अब मॉडर्ना फाइजर पे ये स्टेटमेंट आया कि इनकी 4 महीने बाद, रिपोर्ट जो आई ना, 4 महीने बाद एंटीबॉडीज खत्म होना शुरू हो जाती हैं, और वही कोवैक्सीन कोविशील्ड की बात करें तो 6 महीने बाद, तो वैक्सीन के मामले में भी हम काफी ज्यादा बेटर है। तो वही कह रहे हैं कि इतना आप महंगे पे मत जाया करो, थोड़ा सा रिसर्च कर लो, ठीक है, क्वालिटी कितनी है, क्या कॉन्फिगरेशन है, उसके बाद जाया करो, हर चीज में बात कर रहा हूं। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, एक प्रॉपर कंपैरिजन S-400 के बारे में, और सारी जानकारी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।